अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार आज जो है वो 2018 का आखिरी दिन है। मुझे पता है जब ये वीडियो अपलोड होगी तो 2019 शुरू हो गया होगा, और शुरू हुए हुए भी बहुत टाइम हो गया होगा। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है क्योंकि भाई के पेपर्स होने वाले हैं यार। पेपर्स में तो नहीं ना वीडियो चल सकती यार, तो पेपर्स के बाद ही एडिट करूँगा इसको। खैर, तो आज का सीन ये है कि मैंने जाना है अपने दोस्तों को ट्रीट देने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि यार 2018 के अंदर ही ट्रीट दे देनी पड़ेगी। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है यार, जितनी मैक्सिमम हो सके भाई ने आगे करने की कोशिश की है। वहाँ पे वो कहेंगे वहाँ पे देंगे। भाई कह रहा है चलो तुम्हारी मर्जी है। जहाँ बेटा मेरे कहते, ओ बेटा नहीं मतलब जहाँ कहते हो वहाँ ट्रीट देगा आपका। अभी आया हूँ यूनिवर्सिटी से वापस आके, मैं थोड़ा तैयार हुआ और दोस्त मेरा काफ़ी देर से बाहर खड़ा हुआ है, तकरीबन आधा घंटा हो गया। प्लान क्या है वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, अभी लेट हो रहा हूँ। अब हम लोग ना कौसा नोस्ट्रा जा रहे हैं, और शर्ट चेक कर रहे हो भाई की गिफ्ट में मिली थी यार बर्थडे पे। और मुझे ये नहीं पता इन दोनों में से किसने दी थी, क्योंकि दोनों ने मिलके ही गिफ्ट दिए थे। तो परफ्यूम भी वही लगाया है जो भाई ने दिया था। देयर इज लिटिल चेंज इन द प्लान, सो वी आर हियर इन द सेंटर। दोस्त ने पता नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन उसने मोबाइल खरीदना था कुछ, तो वही देखने आए हैं इधर। तो फोन ले लिया है, जल्दी ही मिल गया। अब हम जाएंगे उधर ही जिधर हम जा रहे थे पहले। हम लोग आए हैं इधर, और इधर आके हमने मेन्यू वगैरह गो थ्रू किया है। कुछ समझ नहीं आया, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मैंने क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। लेकिन लोग इन फोर्स कर रहे हैं कि यार यही ट्राई करना है। मैंने कहा यार तुम लोग कर लो, मुझे वापसी पे कुछ खिला देना। अल्लाह का शुक्र है यार, वी आर आउट ऑफ देयर, और अब हम कुछ और ढूंढने जा रहे हैं। हमने पहले मेन्यू देख, मैंने नहीं देखा था, इन दोनों ने देखा था मेन्यू, और पता नहीं कहाँ से मेन्यू देख के आए थे। तो हम कहीं इधर उधर फिरेंगे, ट्राई कर देखते हैं कोई और अच्छी जगह मिले, और केडियन जा जाके तो हम थक गए हैं, तो अब कोई और चीज़ ट्राई करेंगे। ये वाला मेन्यू यार बस कुछ नहीं कह सकते यार। तो डिसाइड हो गया है, ब्रेसरी नाम है। खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना आता है तो मैं आपको चेक कर क्या सीन्स हैं इधर, और एम्बियंस इस जगह की अच्छी है तो वो चेक करें। वेलकम सर्विंग आई है और आते खत्म हो गई है। तो यार हमने खाना है यहाँ पे खा लिया, पहली दफा ट्राई किया है इस जगह को, तो आइडिया नहीं था कौन सी डिश क्या टेस्ट होगा क्या सीन होगा, लेकिन और कोई जगह मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि हम कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे थे। जहाँ पे पहले गए हुए हैं वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे थे। जहाँ पहले गए थे वो भाई वो तो जगह समझ नहीं आई किसी और दिन से ही। खाना कैसा लगा, बात ये है यार, खाने में ग्रेवी जो थी वो कम थी, एक्सपेक्टेड जो था उस हिसाब से काफ़ी कम थी, और
राइस की क्वांटिटी जो थी वो थोड़ी कम थी, टेस्ट वाज ओके बट क्वांटिटी कम थी। मतलब मैंने शुरू किया है ना और थोड़ी देर बाद गिर भी ख़त्म होगी। अब कहाँ जाना है, अब हम घर जाएंगे। बर्थडे हो और बर्थडे हो और उसके अंदर स्वीट डिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डिजर्ट इज कंपल्सरी। देखिए डिजर्ट जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज द गैदरिंग एंड द टाइम स्पेंड विद देम इज ओके फॉर मी। बड़े मज़े का सीन हुआ, हम लोग खाना खाने के बाद बाहर चले गए और इन लोगों ने कहा हुआ था कि कोई ख़ास किस्म की डेजर्ट है वो हमने खानी है, तो हमने कहा, मैंने कहा चलो यार मतलब बंदा हाथ पकड़ाए तो लोग गर्दन ही पकड़ लेते हैं बाजू हाँ चलो बाजू कर लो गर्दन ही पकड़ी अभी हमने, एपेटाइजर नहीं था उसके अंदर ना कोई सैलेड थी, मतलब लोग अभी भी खुश नहीं है, चलो दफा करो इस बात को। अच्छा हम लोग बाहर चले गए और बाहर जाके भाई ने मुझे वो डेजर्ट रिवील की कि यार हमने ये खानी है, और पता चला कि जहाँ से हमने खाना खाया है वो डेजर्ट भी उधर से ही खानी थी। तकरीबन 11 बज रहे हैं, लेट हो गए घर पहुंचते पहुंचते हो जाएंगे काफ़ी लेट, तो उम्मीद है कि कम डांट पढ़नी लाजमी है, लेकिन हो सकता है कम पढ़ जाए, लेकिन पड़ेगी। सो ओके यहाँ पे दो एग्जांपल दे ना, डू सब्सक्राइब आई वांट टू गो बैक टू 14 एंड वर्स्ट माय लाइफ विद न्यू आइडियाज। नहीं ऐसा कोई आइडिया नहीं है मेरा। ओके